जी आज हम निकले हैं भावलपुर में हकदार को ढूंढने के लिए। आजकल बुजी मास्क का सीजन भी बहुत आगे ना, देखिए एक लेडी मेरे ख्याल में मास्क ही उठाए हुए बिचारी ने, बुजी बच्चे को भी उठाए हुए हैं, कितनी बाहिमत लेडी होगी ना ये। ये देखिए बुजी खुद आएगी, देखना कितना क्यूट सा बच्चा पकड़ा हुआ है इसने। बाजी मास्क लेना। बाजी कितने का है मास्क? 10 रुपए का है बाजी। अच्छा 10 रुपए का है जी। ये बच्चा है माशाल्लाह आपका अपना जी? बच्चा जी मेरा अपना बच्चा ये बाजी। इतने मुश्किल हालात है कि मास्क बेचना पड़ता है बाजी। माशाल्लाह बाजी आप तो बहुत हिम्मत वाला काम कर रही है बाजी। लोग तो मुझे ये कहते हैं कि शर्म कर घर में बैठ के इज्जत की रोटी खा बाजी, लेकिन फिर भी बच्चों का पेट तो भरना है ना मुझे। ओए बाजी रो रहे हैं। मास्क बेच के बाजी गुजारा करना पड़ रहा है मुझे अपना। ओए होए क्या हो गया आपके, क्या मतलब कैसे क्या हालात हो गए कि आपको मास्क? मेरे शोहर मेहनत मजदूरी करते हैं, मिल जाए तो सही है, वरना मेरी एक गूंगी ननद एक मेरे ससुर है कानों से बहरे। अच्छा बच्चों का पेट भी पालना होता है, मुझे घर खर्च भी चलाना पड़ता है अपना। सिर्फ आप यानी कि आपकी ननद और बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक गूंगी नंद है, ससुर मेरा कानों से बहरा ना सुन सकता है। अच्छा ससुर का, नंद का, 2 बच्चों का, ये घर का खर्चा मैं कुछ चलाती हूँ। शोहर है मेहनत मजदूरी, मिल जाए तो सही है, वो घर में बैठा आप मास्क तो बेचना पड़ता है। तो बाजी आप बड़ी हिम्मत है कि सड़कों पे खड़े हो के लोगों के मतलब कैसे बाजी लोग इतनी बात सुना जाते कि शर्म करो घर में बैठ के इज्जत की खाओ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके घर के हालात कैसे कैसे अपना और बच्चों का गुजारा कर रही होगी। अच्छा बहुत सारी बाजी बहुत परेशान नजर आ रही है बाजी। बाजी लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी फकीरनियों को भी देखा है, वो तो आके खड़ी हो जाती है ड्रामे मतलब कैसे लोग। नहीं बाजी हमें तो इज्जत की खानी होती है ना। अच्छा। हमें अपने बच्चों को भी पेट भरना होता है ना अपने बच्चों का। अगर हम आपके हालात देखें, अगर आपका घर देखे ऐसा ना हुआ फिर नहीं चले। आप बेशक मेरे घर के हालात देखे, मेरी नंद को देखे, मेरे ससुर को देखे, आपको खुद को पता लग जाएगा कि इसके घर के हालात कैसे होगी, क्यों मजबूरी के तहत मास्क बेचती है। अच्छा तो अच्छा बाजी अगर कभी मास्क ना बिके तो फिर मैं लोगों के घर में झाड़ू बर्तन कर लेती, कोई 100 दे देता, कोई 50 दे देता, कोई रोटी सालन दे देता, वही पेट भर के गुजारा कर लेती बच्चों का भी अपना। सही सही चलें बेटा ऐसे करते हैं बाजी के घर चलना। बाजी बाजी आपका घर देखिए। नहीं बाजी मुझे माफ करो अल्लाह का नाम लो, पहले लोग मुझे इतनी बातें सुनाते कि सड़कों पे कमाती, अब मैं आपको लेके तो मुझे मोहल्ले वाले जीने भी नहीं देंगे। अच्छा यानी कि गाड़ी में नहीं बैठ सकती है? नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती। तो फिर कैसे घर चले आपके घर चले देखेंगे घर कैसे देखेंगे? मैं पैदल चलती बाजी, आप लोग गाड़ी में चले, वरना लोग मुझे बातें बनाएंगे कि पता नहीं किस किस के साथ बाहर घूमती है ये मास्क के बहाने। साफ जा रहे बेटा आज है भी तो नौजवान बेचारी। ठीक है बाजी उम्र कितनी होगी आपकी? 18 साल। आंसू साफ कर बच्चे का बुजी देखे अभी 1 साल का है, माँ के आंसू साफ कर रही है। सिद्के ये होती है माँ और ये होते हैं औलाद। जी 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 चले बाजी के घर चलते। चले बाजी आप चले आगे आगे आपके घर चलते। हाँ आगे आगे चले बाजी चले हम आ रहे हैं आपके साथ साथ। तो अबू जी ये देखिए कितनी खुददार है ना, गाड़ी में नहीं बैठी है वो बेचारी, हमसायों की बातें सुन रही है और सारे जमाने को बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है ना, क्या करें। चलो ये मेरे ससुर जो कानों से बहरे बिल्कुल भी नहीं सुन सकता, इन्हें भी हम ही नंदे घूमेंगी जो ना कभी बोल सकती है ना सुन सकती है। अच्छा इन्हें भी हम ही पाल रहे हैं। अच्छा अच्छा वो मेरे ससुर हैं। अच्छा जो कानों से बहरे ऐसी हालत में अच्छा हम ही पाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा मेरे शोहर मजदूरी के लिए अभी बाहर खड़े हुए हैं, उन्हें मजदूरी मिल जाए 8-10 दिन तक अगर उन्हें मजदूरी ना मिले क्या हम अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकती ना। सही है इसी वजह से मैं मास्क बेचती हूँ कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, लेकिन लोग मुझ पर इतनी बातें बनाते कि कुछ शर्म करो घर में जाके कोई अपना काम करो। परेशान नहीं होना लोग मतलब कि अप्रिशिएट नहीं करते नहीं बल्कि वो मुझे ये कहते हैं कि घर जाके कुछ शर्म करो जवान ना मानो अपने बच्चों का रखो। अब लोगों को ये तो नहीं पता ना कि इनके घर के हालात कैसे हैं। माशाल्लाह आप एजुकेटेड लग रही है जी। अच्छा कितनी आपकी तालीम कितनी है? मिडिल है। अच्छा माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं जी जी। और सड़कों पे मास्क बेच रही है क्योंकि हस्बैंड के कोई काम नहीं है। अब जी 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी एक ननद है ये। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बोलती नहीं है? बोलती नहीं है बिल्कुल भी नहीं बोल सकती ना सुन सकती। अच्छा इनका भी खुद आप ख्याल रखती हैं? जी इनका भी ख्याल और ससुर जी का भी आप ख्याल रखती हैं? अच्छा माशाल्लाह ये देखे बहू की हिम्मत देखिए। जी 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 बिल्कुल ये देखिए कि
लोग कहते हैं कि ना आप मुझे ये बताएं कि आपका दिल क्या चाहता है, कि आप घर बैठ के इज्जत से कुछ कमाना चाहती हैं? ऐसा क्या हो जाए कि आप घर बैठ जाए और मतलब कि मैं यही चाहती हूँ मेरे शौहर जी को रोजी रोटी के लिए कोई नौकरी लग जाए जिसे हम घर में बैठ के इज्जत से खा सके, लोगों की बातें हम ना सुन सके। अच्छा माशाल्लाह, तो वो पढ़े लिखे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ना कुरान पाक ना वो अच्छा इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़े। अच्छा पढ़े नहीं है। अब मेरे माँ बाप ने तो मेरी शादी कर दी, अब मुझे तो नहीं पता था ना क्या मेरा ऐसा नसीब होगा, मुझे तो अपने बच्चों का और इनका पेट पालना है। हाँ ये देखें बेटा कितनी, इन्हें तो नहीं, अब चलो हम तो बड़े भूखे रह सकते हैं, बच्चों को तो नहीं रख सकते, छोटे बच्चे मेरे दूध। जी 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 तो मैं पोर्टों के काम भी करती हूँ, झाड़ू बर्तन करती हूँ, लोगों के घर में मास्क भी बेचती हूँ, उसकी वजह से मैं अपना गुजारा करती हूँ, अपने बच्चों को भी पालती हूँ, अपना पेट भी पालती हूँ। ये देखें बेटा के, ये देखें बेटा के कितनी ग्रेट बाजी है। ये अभी बच्ची है, इसकी आपकी कितनी एज है? 18 साल। 18 साल? 18 साल जी, 18 साल एज है। अच्छा अभी मेरी शादी को 2 साल हुआ, 16 साल की एज में मेरी शादी हुई है। ये देखें बेटा इतनी जिम्मेवारियाँ इसके आ गई है। ये देखें ये इनका घर है, घर आपका अपना है? जी घर में। चले चले अल्लाह का शुक्र, बच्चों की भी जिम्मेदारी, मेरे ससुर की भी, नंद की, अभी ना तो मैं कहीं नहीं भेज सकती हूँ। जी जी जी, अभी ना तो मुझे पालना है ना, अपनी औलाद की तरह मैंने नहीं पाला। थैंक यू। ये देखिए मैंने आपको सड़क पे देखा है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की बातें सुने, ठीक है ना जी। मैं चाहती हूँ आप इज्जत पे, जैसे लोग कहते हैं ना आप अच्छा काम कर रही है, मैं ये नहीं कहती कि आप गलत काम कर रही है, आप शर्म करें ऐसा कुछ भी नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप ग्रेट है, अपनी ननद को पाल रही है, ससुर को पाल रही है, खामद को कभी मजदूरी मिल जाए ठीक ना मिले तो फिर बेचारी क्या करे, फिर भी खुद कमा के, और खुद कमा रहे हैं। अभी भी भाई जान को चौक से लेकर आए हैं, सामने चौक है, मुझे दिखाइए। जी 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 जी, सामने चौक है, वहाँ पे ठहरे रहे थे। जी जी, आज ही के दिन क्योंकि भाई बाजी की कंडीशन ऐसी थी, हमने सोचा कि आज ही आज उनका काम कराते हैं। जी जी, तो ठीक है अबू जी। ताकि हमारी बेटी जो है वो घर से बाहर ना निकले। वैसे कोई हर्ज नहीं है अबू जी, बाहर आज तो अबू जी आपकी शर्ट और शीट और तोलना सब कुछ मैच हो रहा है कलर। गली में भी जा रहे हैं अपन तक। अबू जी आज इतनी सारी बोरियां लेकर आए हैं, खैर से आज मैंने कहा रेट भर के देंगे भाई जान को, आज बाजी के तासुरात देख के ना। जी जी, बेटी के तो मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने कहा ये देखे माशाल्लाह कितने खूबसूरत आजकल मौसम है ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा फ्रूट। अच्छा ये मौसमी है, मौसमियों की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका ख्याल रखना, और आपने जब बच्चे बड़े हो जाए उनको भी नमाज की तलकीन करनी है, खुद भी नमाज पढ़नी है, और आपकी बेगम ने भी और हम इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना बाजी। आप मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपने मुझे भरी हुई रेड़ी दे दी। अच्छा, आपने अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा, आपको अल्लाह में हमारे अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, बस आपको भी खुश रखे, आपको इसमें से बहुत रिस्क दे। अगर आप मेहनत करें तो 1,500 रुपया दिन में कमा सकते हैं। चले 1,500 नहीं तो 1,000 तो कहीं नहीं गया ना, कमा सकते हैं। तो हमारी बेटी भी घर बैठी, सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी घर बैठी रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। टू एंड टेस्ट लिखा हुआ है, उसके साथ ही रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। ये ब्लैक हो चुका है मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, सामने आ गया है घंटी का आइकन, बेल का आइकन, इसको क्लिक किया, ये ऊपर वाले ऑल के बटन को क्लिक करेंगे, ये नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी। और अब आपको बताती हूँ हमारे चैनल को शेयर करने का तरीका। ये देखिए यहाँ पे ये शेयर का बटन आया हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आप फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां भी